गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्राइंग में पेज नंबर 30 फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ड्राइंग में पेज नंबर 30 फिल करेंगे, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं, जिसमें हम अ लैंडस्केप सीखने वाले हैं। मतलब हम लैंडस्केप कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो बच्चों आप जानते हो लैंडस्केप क्या होता है? प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य मतलब नेचुरल ब्यूटी, जो हमारी नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे पेड़, पहाड़, नदियां, इन सब की जो हम ड्राइंग बनाते हैं उसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें भी ट्रीज, माउंटेन्स ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये कैसी ड्राइंग है? लैंडस्केप है। ठीक है, अब हम इसमें कौन सी आर्ट करने वाले हैं? तो हम इसमें स्टिपलिंग आर्ट करने वाले हैं। स्टिपलिंग आर्ट होती है जिसमें हम छोटे छोटे डॉट्स बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, उसको हम स्टिपलिंग आर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, टेक आउट योर स्केच पेन। आपको क्या करना है? स्केच पेन लेना है एंड मेक द पिक्चर कलरफुल बाय यूजिंग द आर्ट ऑफ स्टिपलिंग। मतलब आपको स्टिपलिंग आर्ट से क्या करना है? ये जो आपको लैंडस्केप दिया है वो फिल करना है। जो आपको यहाँ लैंडस्केप दिया है वो आपको कौन सी आर्ट से फिल करना है? स्टिपलिंग आर्ट्स। स्टिपलिंग आर्ट्स में क्या होता है? छोटे छोटे डॉट्स बनाने होते हैं। क्या होता है? छोटे छोटे डॉट्स बनाकर जो हम ड्राइंग करते हैं उसका नाम क्या होता है? स्टिपलिंग आर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ कलर्स दिए हैं कि आपको इनसे जो ड्राइंग है उसमें इन कलर से आपको क्या करना है, इन कलर से आपको स्टिपलिंग आर्ट्स बनानी है, मतलब छोटे छोटे डॉट्स बनाने हैं। तो देखिए सबसे ऊपर आपको ब्लू कलर दिया है, तो हम सबसे पहले ब्लू कलर से डॉट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी वैसे ही बनाने हैं। ठीक है, देखिए आप इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स बनाते जाइए और इस ड्राइंग में हमको यही करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्टिपलिंग आर्ट्स बोलते हैं। ओके, तो आज हम लैंडस्केप में कौन सी आर्ट कर रहे हैं? स्टिपलिंग आर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको जरूरी नहीं है हम स्केच से, पेंसिल कलर्स होते हैं उनसे भी की जा सकती है ये, पर हमें स्केच पेन से करनी है क्योंकि हमें स्केच पेन से बताई गई है, तो हम स्केच पेन से कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी छोटे छोटे डॉट्स रखते जाइए, जल्दी जल्दी चलिए। जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही आपको भी रखने हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं रख रही हूँ वैसे ही आपको भी रखने हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से ब्लू कलर जहां तक फिल करना है। तो बच्चों हो गया ये वाला। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब आप जो ट्री देख रहे हो, ट्री में हम ग्रीन कलर से पॉइंट रखते हैं। क्या करेंगे अब हम जो हमारा ट्री है, जितने भी ट्री हैं, उन सब में अब आप ग्रीन कलर से डॉट्स बना दीजिए, मतलब स्प्लिटिंग आर्ट कर दीजिए। क्या करना है आपको? स्टिपलिंग आर्ट कर देनी है। किससे? ग्रीन स्केच से डॉट्स बनाकर स्टिपलिंग आर्ट्स कर देनी है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। ओके, तो करते जाइए फटाफट से जल्दी जल्दी। जैसे अब जो हमारा दूसरा पेड़ है, जो दूसरा ट्री है, उस पर भी हम इसी तरीके से आर्ट्स, जो हमारी स्टिपलिंग आर्ट है उससे, मतलब छोटे छोटे डॉट्स बना रहे हैं। ओके, तो आप भी बनाते जाइए जैसे मैं बना रही हूँ छोटे छोटे डॉट्स। आपका ये वाला ट्री कंप्लीट हो गया, अब आप इस वाले ट्री को ग्रीन कर दीजिए जल्दी से डॉट्स बना बनाकर। ओके, तो करते जाइए। तो देखिए बच्चों, जो आपका ये क्या है, ट्रीज हैं, वो हो गए हैं। अब आप देखिए जो नीचे की हमारी ग्रास है वो भी ग्रीन कलर से है, अब हम उसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो करते जाइए। जो आपकी ग्रास है वो भी ग्रीन कलर की है ना, तो आप उस पर भी ग्रीन कलर से डॉट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो बच्चों देखिए जहां जहां ग्रीन कलर फिल करना था हम वहां वहां ग्रीन कलर फिल कर चुके हैं उसी डॉट्स के अकॉर्डिंग। तो आप भी जैसे मैंने किए हैं डॉट्स के अकॉर्डिंग, वैसे ही आप भी डॉट्स बना बनाकर
ये सारा फिल कर लीजिएगा। अब हम हमारी जो हट है उसमें हम कौन सा कलर फिल करेंगे बताइए आप मुझे, बताइए आप, पिंक कलर। कौन सा कलर फिल करेंगे? पिंक कलर। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से, जो हमारी हट है उसमें हमको कौन सा कलर करना है? पिंक कलर। तो हमारे पास डार्क पिंक या लाइट पिंक जो भी होगा हम उसको कर लेंगे, ठीक है? तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करते जाइए। चलिए अब बताइए अब हम कौन सा कलर फिल करेंगे? अब हम जो हमारी हट की जो रूफ है उस पर हम पर्पल कलर फिल करेंगे। कौन सा कलर फिल करेंगे बच्चों? पर्पल कलर। तो आप भी करते जाइए जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? तो जो हमारी रूफ है उस पर हमको कौन सा कलर फिल करना है? पर्पल। ठीक है, तो देखिए जो हमारी हट है यहाँ पर जो है यहाँ पर भी पिंक कलर ही फिल करना है। तो देखिए वन बाय वन स्टेप स्टेप रखते जाइए सीधे सीधे, ठीक है? तो ताकि जो कलर है वो बहुत सही ढंग से आए। तो डॉट्स लाइन टू लाइन रखते जाइए, ओके? जैसे मैं रख रही हूँ लाइन लाइन करके, तो आप भी ऐसे ही लाइन कर करके रखते जाइए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर भी जो हमारा पर्पल कलर है उसको फिल कर लेंगे, ठीक है? देखिए कर लिया। अब क्या करोगे आप बताइए? अब जो देखिए हट का जो अंदर है वहां कौन सा कलर है बच्चों? ब्राउन कलर है। तो यहाँ पर हम ब्राउन कलर फिल करते जाएंगे, ओके? यहाँ पर कौन सा कलर दिया है आपको? ब्राउन कलर दिया है। तो आप यहाँ पर ब्राउन कलर फिल कर लीजिए। चलिए अब क्या करना है आपको, अब बताइए आपको क्या करना है? अब आपको जो हमारा स्काई ब्लू कलर होता है उससे ये जो पूरा ये वाला जो फ्लो है जो वाटर वाली जो शेप है वहां पर आपको फिल करना है इस तरीके से, ठीक है? तो वन टू ऐसे करके लाइन सीधे सीधे करते जाइए, बिल्कुल ऐसे से करते जाइए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी ऐसे से स्ट्रोक रखते जाने हैं, डॉट्स बनाते जाने हैं, बनाते जाइए ऐसे डॉट्स। जैसे मैं सीधे सीधे डॉट्स बना रही हूँ आप भी ऐसे ही डॉट्स बनाते जाइए सीधे सीधे, ठीक है? चलिए फिर अगली लाइन से भी ऐसे ही डॉट्स बनाते जाइए। तो देखिए ये भी फिल हो चुका है। अब हम क्या फिल करेंगे? अब हम जो हमारा ब्राउन कलर है उससे हम अपना क्या फिल करेंगे बताइए बच्चों? जो हमारा ये जो पॉइंट है इनको हम ब्राउन कलर से, जो हमारा ट्री है उसकी ब्रांचेस वगैरह को हम ब्राउन कलर से फिल करेंगे, ओके? तो चलिए करते जाइए आप भी जैसे मैं कर रही हूँ। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करिए, ठीक है? ये हो गया, अब यहाँ वाले ट्री को भी कर लीजिए, ठीक है? देखिए तो ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो आपका माउंटेन है उसमें आपको ऑरेंज डॉट्स बनाने हैं। क्या करना है? जो आपका माउंटेन है उसमें आपको कौन से कलर के डॉट्स बनाने हैं बच्चों? ऑरेंज डॉट्स बनाते जाने हैं, इस तरीके से बनाते जाइए। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप भी बनाते जाइए, ठीक है? चलिए देखिए जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप भी बनाइए। यहाँ पर भी से पॉइंट पॉइंट रखते जाइए, ठीक है? जैसे मैं रख रही हूँ आप भी वैसे ही पॉइंट 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 डॉट्स बनाते जाइए। जैसे चलिए तो बच्चों देखिए अब जो ग्रास है यहाँ पर उसमें हम डार्क ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं। कौन सा? डार्क ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं, ओके? तो आप भी करते जाइए।
बच्चों, जो हमारी ग्रास है वो भी फिल हो चुकी है और जो हमारे माउंटेन थे वो भी फिल हो चुके हैं। अब हम जो ये ऊपर सूरज दिखाई दे रहा है आपको आसमान में, अब हम उसको फिल कर रहे हैं। ओके, तो आप भी करते जाइए जैसे मैं कर रही हूँ, उसमें भी ऑरेंज डॉट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, जो हमारा सूरज था वो भी फिल हो गया है। अब आप क्या करोगे, अब ये वाला जो जगह है यहाँ पर भी हम ऑरेंज कलर से फिल कर देंगे। ओके, तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप भी करते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम ऑरेंज कलर से ही फिल करेंगे। जैसे मैंने कर रही हैं वैसे ही आप भी करते जाइए। पहले लाइन से कर लीजिए, फिर आपको लगे कहीं पर हुआ नहीं है तो आप उसको कर दीजिए, वैसे लाइन लाइन से करते जाइए। ठीक है, ऐसे ही लाइन से बनाते जाइए डॉट्स, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप भी लाइन लाइन से डॉट्स को बनाते जाइए। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो हमारी पूरी ड्राइंग है ये फिल हो चुकी है। किससे? ये हमारी कौन सी आर्ट है? ये हमारी स्टिपलिंग आर्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्मॉल स्मॉल डॉट्स बनाकर जो भी हमारी ड्राइंग होती है उसको फिल करते हैं। तो आज आपने क्या सीखा? आज आपने स्टिपलिंग आर्ट करना सीखा कि हम स्टिपलिंग आर्ट्स कैसे करते हैं, किसमें? लैंडस्केप में। ठीक है, तो आज हमने पेज नंबर 30 फिल किया है। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 30 फिल करना है। क्या करना है बच्चों? आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 30 फिल करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया है आपको पेज नंबर 30 वैसे ही फिल करना है। किससे? बताइए, बाय यूजिंग स्टिपलिंग आर्ट्स। ओके, आपको स्टिपलिंग आर्ट मतलब छोटे छोटे डॉट्स बनाकर ये पूरा लैंडस्केप फिल करना है। मैंने आपको बताया ही है कि लैंडस्केप क्या होता है। लैंडस्केप मतलब प्राकृतिक दृश्य, मतलब नेचुरल, जो भी आपको नेचर ने दी है चीजें उनसे बना हुआ जो एक ड्राइंग होती है उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपने लैंडस्केप में स्टिपलिंग आर्ट करना सीखा और आज आपको होमवर्क में इसी तरीके से जैसे मैंने आपको सिखाया है वैसे ही ये लैंडस्केप का पेज फिल करना है। ओके, तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में पेज नंबर 30 फिल करना है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए गुड बाय।